सुचित्रा, मैं एक वैदिक मंत्र से प्रारंभ कर रही हूँ। याम मे धाम देवगण पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। सर्वप्रथमम संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधन पर्वणश्च सर्वेषां कृते भूरिशः शुभकामनाः। संस्कृत दिवस समारोह से अवसरे अस्मिन् उपस्थितः अध्यक्षः डॉक्टर प्रमिला कुमार महोदया, गार्गी महाविद्यालय से डॉक्टर सुचित्रा भारती, डॉक्टर ममता त्रिपाठी, अपरेश्च प्राध्यापकः, छात्राश्च अतिथ्याश्च सर्वेषां कृते अभिनंदनम् अभिवादनम्। डॉक्टर प्रमिला कुमार प्राचार्य गार्गी कॉलेज ने बहुत अच्छे से हमें संस्कृत दिवस के विषय में बताया। मैंने भी सोचा था थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन अब वो पिष्ट पेषण हो जाएगा। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया उसका इतिहास, उसका स्रोत क्या है। वेदों में ही उसका स्रोत है। जब दीक्षा दी जाती थी, सूत्र बांधा जाता था, गुरु ब्रह्मचारी को दीक्षा देते थे और एक हाथ में सूत्र बांधते थे रक्षा कवच के रूप में। और बाद में जब ये हुआ रक्षाबंधन बनाना, तो उसी दिन को चुना गया और रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र त्योहार के रूप में बनाया गया। और अभी स्वतंत्र भारत में ये हुआ कि संस्कृत दिवस मनाना है, तो किस दिन करना है ये बहुत पार्लियामेंट में विचार विमर्श हुआ, मैंने ऐसा सुना है। और फिर जाके ये तय किया गया कि श्रावणी जो पूर्णिमा है, सबसे पवित्र दिन है, उसका संबंध अध्ययन अध्यापन से भी है, परिवार से भी है, प्रेम से भी है, सौहार्द से भी है, स्वाध्याय से भी है, तो उसी का इसके लिए चयन किया गया। और ये स्वतंत्र भारत में कब से शुरू हुआ इसके इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। डॉक्टर प्रोमिला जी ने शायद बताया था कौन से वर्ष से प्रारंभ हुआ, लेकिन हो गए होंगे 55 से ऊपर, क्योंकि जब से मैं दिल्ली में आई मैं इसमें इसको इसको कर करती रही, मैं जाती रही। राष्ट्रीय म्यूजियम है ना यहाँ दिल्ली में, उसमें सरकारी स्तर पर और ये जो हमारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, जो भी संस्थान थी, सब संयुक्त रूप से उसको करते थे। और जो लोग रक्षाबंधन से थोड़े मुक्त होते थे वो वहां जाके उसमें उसमें सम्मिलित होते थे। तो प्रति वर्ष का मेरा नियम था संस्कृत दिवस को, और आज आप लोगों ने फिर वो अवसर मुझे उपलब्ध कराया। सबसे पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इससे शुभ अवसर है। हमने एक एक नहीं दो दो त्योहार मना रहे हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात शुरू करूं सुचित्रा जी। जी मैम, जी मैम। जो गार्गी को महाविद्यालय ने, ऐसा मैंने जाना है कि इन्होंने एक व्याख्यान माला प्रारंभ करने का निश्चय किया है, और उस व्याख्यान माला का प्रथम व्याख्यान रखा है जिसके लिए मुझे बुलाया है, और विषय वेदों से ही हो, जिससे कि सारा साहित्य संस्कृत का वेद से प्रारंभ होता है, तो वेदों से ही हो, ऐसी कुछ बात करके हम ये वाला विषय जो आज आपके सामने प्रस्तुत होगा, उपनिषदों की ज्ञान परंपरा, उसका निर्वाचन किया गया और मैं इस पर ही बोलने का प्रयास करूंगी। और समय है 48 हो रहा है, 11:48, कितने मिनट का है मैम? ऐसी कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोलिए मैम, हम सुन रहे हैं। ठीक है, हाँ। फिर भी 5 मिनट पहले बताओगे तो अच्छा रहेगा। नहीं मैम, ठीक है। तो ये जो विषय है हमारे पास, उपनिषद सभी लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो भी पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं। जो हमारा वैदिक साहित्य है वो बहुत विशाल है तो बहुत प्राचीन, दुनिया का सबसे प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य कहलाता है, और वो चार वेद हैं उसमें, चारों संहिताएं जो है वो सबसे प्राचीनतम है, उनमें भी ऋग्वेद संहिता। और आप सबको पता होना चाहिए कि मैडम प्रमिला जी बात कर रही थी नासा की, तो वहीं पर ये जो है हमारा जो केंद्र है, ये इसने ऋग्वेद को हेरिटेज भी माना हुआ है, ऋग्वेद को दुनिया का हेरिटेज माना हुआ है। तो ये सबसे पुराना ग्रंथ अगर दुनिया में कोई है, ओल्डेस्ट बुक ऑन द लिटरेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर कोई लाइब्रेरी होती मनुष्यों की, तो उसकी सबसे पुरानी किताब होती ऋग्वेद संहिता।
और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्य ग्रंथ है, फिर उपनिषद ग्रंथ है। तो पूरे वैदिक वाङ्मय के ये चौथे भाग हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये जो कि कुछ लोगों को पता ही है कि कुछ स्वतंत्र रूप से बने हुए उपनिषद कुछ ब्राह्मणों में पड़े हुए हैं, कुछ आरण्यकों में पड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे उपनिषद भी हैं, कुछ तो नहीं एक ही है जो कि मंत्रों में भी है। जो ईशावास उपनिषद है वो यजुर्वेद संहिता के अंदर आता है। तो ये भी बहुत एक परंपरा वाली बात है कि उपनिषदों को हम कहने को तो उत्तर का कह रहे हैं, बात का कह रहे हैं, लेकिन वो उत्तर का ना होकर बिल्कुल प्रारंभ से ही वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंत्र भाग महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का जब हम विषय विवेचन करते हैं तो ये मोटे तौर पर बोलते हैं कि इसके दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। तो जो कर्मकांड भाग है उसमें ये वाला साहित्य आता है, ज्ञानकांड भाग में ये। तो ये जो उपनिषद है ये ज्ञानकांड भाग में आते हैं, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। और ज्ञान परंपरा पर ही हम विमर्श करने वाले हैं। फिर इसको एक और नाम दिया जाता है वेदांत, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है, और वेदांत दर्शन का नाम भी है। तो उपनिषद जो है वेदांत दर्शन के मूलभूत ग्रंथ भी है, और इनको भी वेदांत कहते हैं। और वेदांत शब्द का प्रयोग स्वयं मुंडक उपनिषद में भी होता है। एक अर्थ और होता है अंत शब्द का, अंत का मतलब एंड नहीं होता, अंत का मतलब सार भी होता है, एसेंस भी होता है, द एसेंस ऑफ द होल वैदिक लिटरेचर वेदांत वो भी कहलाएगा। वेदों का जो सार है उसको भी वेदांत कहेंगे। तो समग्र जो वैदिक साहित्य है या समग्र जो वैदिक ज्ञान है उसके सार के रूप में अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हम उपनिषद पढ़ सकते हैं। तो इस तरह उपनिषदों के कई नाम हैं। व्युत्पत्ति जब करते हैं तो इसकी व्युत्पत्ति कर देते हैं उपनिषद से, जो बहुत पास बैठकर गुरुजी के पढ़ा जाता है। आजकल की तरह सोशल डिस्टेंसिंग से तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकेगा, और ऑनलाइन तो कदापि नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि बिल्कुल पास में बैठकर पढ़ा जाएगा। अब आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि वो बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत रहस्यमय ज्ञान है, वो वन टू वन जाएगा, और अगर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो उसका समझ में आना मुश्किल है। इसलिए ये सब बातें रखी गई और उसको एक नाम दिया गया रहस्य। उपनिषद का एक नाम इसीलिए रहस्य दिया गया है, रहस्य की बात बहुत चिल्ला के बोल नहीं बोली जाती है। तो इसलिए उपनिषद के जितने नाम हैं उनकी अगर हम लोग उन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो उपनिषद के स्वरूप का भी पता लग जाता है। मैंने संक्षेप में उपनिषदों के स्वरूप के बारे में यहाँ बताने की कोशिश की है। संख्या कितनी है ये एक विवाद का विषय भी है और नहीं भी है। बढ़ते जाते हैं उपनिषद, जो भी जहां भी ब्रह्म विद्या ज्ञान की चर्चा हो रही, रहस्य की चर्चा हो रही, उसको उपनिषद कह देते हैं। तो उपनिषद आधुनिक काल में भी लिखे गए, अभी भी कोई लिखना चाहे तो लिख देता है, उसमें उपनिषद लगा देता है। आपको पता है गीता में भी उपनिषद लगा हुआ है, गीता को भी उपनिषद कहते हैं क्योंकि तो महाभारत का हिस्सा है। तो इस तरह से उपनिषदों की संख्या बढ़ते बढ़ते 188 हो गई, मगर 108 शब्द आपने सुना होगा, 108 उपनिषद हैं। लेकिन जो ओरिजिनल या प्रामाणिक या ऑथेंटिक उपनिषद हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ा कर रखेंगे तो 13 तक जाएगी। शंकराचार्य ने 13 तक की है, फिर किसी ने 12 किए है, किसी ने 11 किए, लेकिन उसको भी और बिल्कुल प्रामाणिक निकालेंगे तो 10 निकलेंगे। तो 10वां उपनिषद जो है वो बहुत प्रचलित है और ये उल्लिखित हुआ खुद मुक्ति को उपनिषद में कि 10 उपनिषद मिलते हैं। ईश के निकट मुंडक मांडुक के ऐत्रिय ऐत्रिय छांदोग्यम बृहदारण्यकम च 10। 10ों का वहां लिस्टिंग किया गया है, नाम बताए गए हैं। तो ये 10 उपनिषद खुद उपनिषद बता रहा है, इसलिए ये सर्वाधिक प्रामाणिक उपनिषद है। तो जब हम ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो इन्हीं के ज्ञान की परंपरा की बात करते हैं। इन्हीं का ज्ञान जो है वो बाद में जा रहा है या क्या, जो भी उसका स्वरूप है उसका यहाँ पर चिंतन किया जाएगा। दूसरा शब्द आपके टाइटल में आ रहा है ज्ञान। ज्ञान का क्या अभिप्राय है, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। ज्ञान जब भी हम बोलते हैं और विशेष रूप से वेद में, तो उसका अर्थ थोड़ा हाई लेवल का ज्ञान होता है, हायर नॉलेज होता है, लोअर नॉलेज एंड द हायर नॉलेज, पराविद्या अपराविद्या या अविद्या विद्या, ऐसे शब्द आपको दो मिलेंगे।
तो उसमें लोअर नॉलेज एक है, एक हायर नॉलेज है. इधर जो परा विद्या है वो श्रेष्ठ है और अपरा उससे छोटी है. ये मुंडक में भी आया, कठोपनिषद में भी आया. परा विद्या और अपरा विद्या का उल्लेख मुंडक में आया, श्रेष्ठ विद्या है और अपरा उससे छोटी विद्या है. ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन दोनों में भेद ये है कि वो सांसारिक ज्ञान है और वो ब्रह्म ज्ञान. दो लेवल बनाए गए, एक सांसारिक ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान. इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक से दुनिया का पता लगेगा, एक से दुनिया की खुशियां मिलेंगी, एक से ब्रह्म की खुशियां मिलेंगी. एक से हमें कर्म मिलेगा, एक से ज्ञान मिलेगा. एक से जन्म ये जीवन मिलेगा, एक से दूसरा जीवन मिलेगा. तो इस तरह से यही लोक परलोक, कर्म ज्ञान या कि जीवन और मोक्ष, इस तरह के लक्ष्य रखकर हम इन दोनों को कर सकते हैं. मुंडक में परिभाषा दी गई है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये. ये देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ने को कह रहे हैं, वो छोड़ना नहीं है. द्वे विद्ये वेदितव्ये, दोनों विद्याओं को पढ़ा जाना चाहिए, पराचा अपराचा. ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वेदो शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिषी इति अपरा विद्या. ये जितना उन्होंने गिनाया, 6 वेदांग और 4 वेद गिनाए, ये सब तो है अपरा विद्या. तो परा विद्या क्या है? यया अक्षरम अधिगम्यते, जिससे अक्षर ब्रह्म की ज्ञान प्राप्त हो उसे कहते हैं परा विद्या, वो कहलाती है परा विद्या. विद्या वो है, परा विद्या वो है जिससे अक्षर ब्रह्म को, जो क्षरण नहीं होता, जो अविनाशी है, जो नित्य है, ऐसे ब्रह्म को जाना जाता है. जाना जाता है तक कहना ये नहीं कि पढ़ा जाता है, अच्छे से समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है. तो अंडरस्टैंड किया जाता है वो विद्या परा विद्या है. और एक दूसरी जो सारा जो वैदिक लिटरेचर है उसको उन्होंने अपरा विद्या कहा. इस पर डिबेट भी बहुत हुई है शंकराचार्य के भाष्य में, कि अगर सारा ये वैदिक तुमने लिटरेचर अपरा विद्या कह दिया तो फिर परा विद्या के लिए कौन सा बचा. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो इसका जो शब्दात्मक रूप है वो है अपरा विद्या, और जो इसका अंदर का ज्ञान छिपा हुआ है, जो अर्थ छिपा हुआ है, वो है परा विद्या. जैसे अगर आप मंत्र बोलते हैं, अग्नि मीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातु, सिर्फ बोलते हैं तो ये अपरा विद्या है. और अगर इसके मंत्र के अर्थ को समझते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो परा विद्या है. तो इस तरह से ज्ञान का जो असली स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, वो परा विद्या है. तो ये दोनों ही ज्ञान हमारे ज्ञान परंपरा के ज्ञान पक्ष में आएंगे. ये आपको मैंने थोड़ा समझाने की प्रयास किया. और अब परंपरा शब्द पर आते हैं. परंपरा हिंदी में भी हम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं परंपरा, हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है. कैसे बन रहा है ये शब्द? पर दो पर लगे हुए, पर से पर, एक से दूसरे में, जो एक से दूसरे में जा रहा है उसे परंपरा कह रहे हैं. अच्छा शब्द है ना, एक से दूसरे में जा रहा है. अच्छा, क्या एक से दूसरे में जा रहा है और किस लिए जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे अंदर होगा ना, जैसे हमें परंपरा से कुछ मिला है, हमें मतलब इस जनरेशन को, इस पीढ़ी को कुछ मिला है, जो ज्ञान मिला है, जो संस्कार मिले, जो गुण मिले, वो हमें हमारे पूर्वजों से मिले, हमारे पूर्व ऋषियों से मिले. तो उन्होंने हमें वहां से देते 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 एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे. आपने सुना ही होगा श्रुति परंपरा, स्मृति परंपरा, सुन सुनकर, याद कर करके, स्मरण कर करके, एक से दूसरे को देके, दूसरे ने फिर और अगले को दिया, फिर उसने अगले को दिया, फिर उसने, ये पूरा नॉलेज का जो प्रिजर्वेशन हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है. आजकल संक्रमण शब्द भी बहुत प्रयोग में आता है, वो वाला संक्रमण ही, कोरोना का संक्रमण ही, जो एक से दूसरे में जा रहा है. क्या जा रहा है? नॉलेज जा रहा है, और नॉलेज के साथ गुण और संस्कार इत्यादि जा रहे हैं. तो ये तभी जाएंगे ना जब उसके अंदर होंगे. मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही है. अगर पूर्वजों में हमारे गुण थे तो उन्होंने हमें गुण संक्रमित किए ना, हमें ज्ञान संक्रमित किया, हमें वो नॉलेज हमें दिया, या हमारे से पहले वालों को दिया, उन्होंने हमें दिया. हमारा काम है हम अपने से आगे वालों को दें.
ममता को दें, सुचित्रा को दें, फिर वो अपने से आगे वालों को दें, तो ज्ञान को का जो परंपरा है इसको कहते हैं, एक से दूसरे में जाना, और इसका उद्देश्य है संरक्षण करना। अगर हमने इस तरह से वैदिक ज्ञान को संरक्षित ना किया होता तो आपको क्या लगता है कि 5000 साल के बाद आज होता ज्ञान? किताबें तो होती नहीं थी, नष्ट भी हुई, इतिहास में बहुत कुछ होता रहा, लेकिन ज्ञान था, अंदर था वो, इसलिए वो याद ही रहा। जब अंग्रेजों ने बहुत से गाने बैन किए थे, मैंने पढ़ा था, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी हुई है, तो उन्होंने बैन कर दी, कोई नहीं गाएगा, ये गाते ही इन सबको बहुत जोश आ जाता है और ये जलूस इत्यादि निकालने लगते हैं, तो बैन कर दी, लेकिन लोग तो फिर भी गा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें तो याद है। अब क्या करोगे, अब तो उन्हें याद है, उन्हें रटी हुई है, सरफरोशी की तमन्या, ये गाना भी उसमें आता है, इसको भी बैन किया गया था लेकिन उन्हें याद है, तो जो जब याद होगा तो वो एक से दूसरे में जाएगा। इसलिए ज्ञान की परंपरा का अर्थ ये हुआ कि जो ज्ञान एक पीढ़ी में है या एक आचार्यों में है वो अपने से अगलों में देंगे तो वहां वो जाएगा, और ऐसे होते 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 यहाँ तक आया। ये उपनिषदों की आखिर कौन सी ज्ञान परंपरा है जो कि आज तक आई, ये हमने हमारा विषय हो गया। अगर ये ना होता अर्थ, और ज्ञान का मतलब किताब वेद की हो, जो किताबें रखी हुई है ढेर सारी, वही ज्ञान होता तो किताबें उठा के हम दे देते, चार की चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसको ज्ञान चारों का हो जाता। किताबों से ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान अंदर जो उसके है वो बताना है, उसको उसके दिमाग तक पहुंचाना है, इसलिए उन्होंने कहा था यह अक्षरम अधिगम्यते, जिससे वो अक्षर को जान सके उसे पराविद्या कहते हैं। जानना होगा, ज्ञान का मतलब जानना है, तो ये परंपरा का गहरा अर्थ है, और इसका उद्देश्य मैंने पहले ही बताया कि इसका उद्देश्य संरक्षण है और संक्रमण भी है, आगे ले जाना और आगे की पीढ़ी को देना और बचाते चलना, उस ज्ञान को बचाते चलना, उसकी सुरक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है। कौन कौन सी ज्ञान वेद जो उपनिषदों की ज्ञान परंपरा में, आपको पता ही लग गया है अब तक कि ये दार्शनिक ग्रंथ हैं, तो दार्शनिक परंपरा ही करेंगे ये, तो हमारे जितने भी बात के दर्शन बने, जितने भी दर्शनों के सब सेक्शंस बने, जैसे वेदांत है, योग है, मीमांसा, न्याय वैशेषिक, ये सब दर्शन, छह दर्शन है, तो छह दर्शनों के भी और पार्ट भी होते हैं, जैसे वेदांत के 9 भाग हैं, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद, अभेदाभेद, वो 9 पार्ट संप्रदाय हैं। तो ये मजेदार बात है कि सारे के सारे 9 संप्रदाय जो वेदांत के हैं वो उपनिषदों से ही बोलेंगे कि हमने इन्हीं से लिया है, जो हम जो बोल रहे हैं वो हमने इसी से लिया है, और मंत्र जो वेद का मंत्र है वो दोनों अर्थों को, तीनों अर्थों को देता है। फॉर एग्जाम्पल, अद्वैतवाद है जो कहता है एक है, आत्मा ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्मो ना परः, जीव ही ब्रह्म है, अपर नहीं है, है ना, आपने सुना हुआ ईश्वर और हमारी आत्मा एक ही होता है, ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, एक ही है दुनिया में और कुछ नहीं है। तो जो और वो जो दूसरा है द्वैतवाद, वो कहता है दो होते हैं, एक आत्मा होती है, एक जीवा परमात्मा होता है, दोनों उपनिषदों से उठा के लाते हैं कोटेशंस, अपने प्रमाण, दोनों के लिए परम प्रमाण उपनिषद ही है, वेद ही है, और मिल भी जाते हैं उनको मंत्र, और मंत्रों के अर्थ भी हो जाते हैं, और जब वो मंत्र दूसरे के सामने आएगा तो वो उसका अर्थ अपने अनुसार भी कर लेता है। यही तो अद्भुत ज्ञान है यहाँ पर, और यही खाली दो की बात नहीं, सारे के सारे 9 के 9। विशिष्टाद्वैत क्या है, रामानुजाचार्य का भाष्य मैंने पढ़ा ईश पर, वो पूरा विशिष्टाद्वैत उसमें से ईश उपनिषद से ही निकाल रहे हैं। जो मध्वाचार्य हैं वो द्वैतवादी हैं, वो उसमें से द्वैतवाद निकाल रहे हैं, और जो शंकराचार्य है वो अद्वैत निकाल रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। तो इस तरह से ज्ञान परंपरा में जो वेदांत और उसके जितने भी स्कूल हैं वो सब उपनिषदों से निकले हुए, मैं अगर और आगे उदाहरण दे सके तो हम देंगे। इसी तरह से दूसरा दर्शन सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन भी आपने पढ़ा है और जानते हैं उसके मुख्य बातें, संख्याएं हैं उसमें, 25 तत्व हैं, इसलिए उसको सांख्य कहते हैं।
उसके जो तत्व या उसके जो सिद्धांत है वो भी उपनिषदों से क्लेम किए जा रहे हैं कि उपनिषदों से ही हमने निकाले हुए हैं। इसी तरह से न्याय वैशेषिक, इसी तरह से मीमांसा, सभी उपनिषद या वेद को ही प्रमाण मानते हैं और वेद से ही अपने सिद्धांतों को आगे पल्लवित पुष्पित करते हैं। तो ये ज्ञान की जो परंपरा है, वैदिक वैदिक वेद से लिया, उपनिषदों में आया सार रूप में, और उपनिषदों से दूसरे लोगों ने लिया, वो व्यापक होता चला गया। एक आपने सुना होगा प्रस्थान त्रयी, जिसमें भी उपनिषदों को गिना जाता है, दसों उपनिषदों को गिना जाता है। दूसरे नंबर पर आती है गीता, तीसरे नंबर पर आते हैं ब्रह्म सूत्र। ये जो प्रस्थान त्रयी कहलाता है, ये सारे दर्शन का मूल बेस है, मूल आधार है सारे दर्शनों का। तो ये इसमें जो आपको दूसरा मिल रहा है गीता, गीता से अगर आप देखोगे गीता, तो उपनिषदों से उसमें बहुत जगह आपको श्लोक मिलते हुए से लगेंगे। कठोपनिषद के कई श्लोक गीता में मिल जाते हैं, उस थोड़े बदल कर। तो जो प्रस्थान त्रयी है उसके ग्रंथ भी इन्हीं से ले रहे हैं। ब्रह्म सूत्र की व्याख्या हो रही है, उसमें भी उपनिषदों से शंकराचार्य वाक्यों को ले रहे हैं। तो ये जो दार्शनिक परंपरा है हमारी, उसमें उपनिषदों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और जो आगे तक लेके आ रहे हैं वो उसी को परंपरा कहते हैं, ज्ञान की परंपरा। अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि कुछ खास सिद्धांत ले लेते हैं वेद उपनिषदों में जो आए, और बाद में भी उनकी होती रही चर्चा इत्यादि, कुछ थोड़े से सिद्धांत ले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, या जो पढ़ेंगे जब आप उपनिषद, तो आपको ये फील होगा, पता लगेगा। क्वेश्चन जैसे मैं आपसे करूं कि उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मैंने ये पाया कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है उपनिषद के अनुसार, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है, और वैसे भी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अगर सोच के देखो, विचार जो है, थॉट जो है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं? जो साइंस के लोग हैं उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा, एक आइडिया आना चाहिए, उस आइडिया को डेवलप करने के लिए अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन वो जो पहला विचार है, जो पहला आइडिया है, वही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इसकी खोज हो रही है, इस वायरस के लिए एंटी, उसकी खोज हो रही है, एंटी मेडिसिन की खोज हो रही है, तो वो आइडिया बस आने की देर है कि कैसे, क्या, किससे होना है, फिर तो उसके कई रूपों में बनाना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से हवाई जहाज की खोज हुई, इसी तरह से दुनिया की चीजों की खोज हुई। तो जितनी भी दुनिया में हम चीजें देखते हैं, वो आइडिया से ही तो विकसित होती हैं। तो विचार जो है, जो विचारशील है, किसी भी समाज में सबसे ऊपर होता है। आपने राजनीति में देखा हुआ है, राजाओं की राजनीति में मंत्री रखते थे, जो मंत्रणा देते थे, उनके आसपास कुछ विचार देते थे, फिर राजा उनको करता था या किसी से करवाता था। तो जो उपनिषद हैं, उनके मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अब जिसके पास ज्ञान है, उसके पास जिसके वो जाएगा जिसके पास ज्ञान नहीं है, शायद मैम का कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मैम को फोन करती हूँ मैं एक बार। हाँ कर। मैम शायद ट्राई कर रही हैं दोबारा जुड़ने के लिए, अभी फोन पिक नहीं कर रही हैं। हाँ मैम।
जी जी मैम जी मैम जी मैम अच्छा तो वो गाड़ी चलाता है, गाड़ी बैलगाड़ी चलाता है, उसको खुजली होती है, रहने को कोई घर नहीं है, जो उसी के नीचे उसी के नीचे रात में सो जाता है। तो राजा जानश्रुति है, उनको कहीं से पता लगता है, पक्षियों की आवाज सुनकर पता लगता है कि वो बहुत ज्ञानी है, उसके पास ब्रह्म ज्ञान है। तो राजा उसकी खोज करते 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 शहर में उसके पास पहुंचते हैं, फिर उससे अनुनय विनय करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से एक दूसरा राजा है, ऋषि है, मतलब ऋषि राजाओं के पास जा रहे हैं, राजा ऋषि के पास आ रहे हैं, कोई ये बंधन नहीं है कि कौन किसके पास है। तो श्वेत केतु के पिताजी जो हैं वो ऋषि हैं, ऋषि होंगे ना, वो राजा प्रावण के पास जा रहे हैं। उद्दालक ऋषि है, वो अश्वपति नामक राजा के पास जा रहे हैं। तो ज्ञान जिसके पास है, जैसे हम कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास जाएगा, तो उसी तरह से जिस ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, जो ज्ञान जिसके पास है वही माननीय है, उसी का आदर होगा, उसी की इज्जत होनी है, उसी के पास दूसरे को जाना पड़ेगा, उसी का सम्मान किया जाएगा। तो ये हमें उपनिषदों में बहुत अच्छे से देखने की बात है। और इसीलिए वर्ग वर्ण इत्यादि की कोई मतलब नहीं है, ऊंच नीच जाति पाति जन्म से हुआ कि अमीर है कि गरीब है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर ये समाज में व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए कि जो लोग नॉलेजेबल है उनको थोड़ा आदर किया जाए, क्योंकि वो ही समाज के बिल्डर्स हैं, नेशन बिल्डर्स हैं। दूसरा आता है सिद्धांत दे रही हूं मैं कि जानने वाला कौन है, उपनिषद में जानने वाला कौन है, आखिर किसको ज्ञान दिया जाएगा, ये भी सोचने की बात है। ये ऐसे किसी को भी पढ़ाने लगो तो कहाँ पढ़ते हैं सब लोग, कहाँ पढ़ते हैं सभी लोग, कहाँ सुनते हैं। तो इसलिए जो हमारे उपनिषद हैं या वेद हैं या और भी प्राचीन ग्रंथ हैं, आप उनमें भी पाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि ये नियम रखा गया है कि जब तक वो जानने की उसमें इच्छा नहीं है, उसको बताना नहीं है। जैसे आजकल खुद ही से बताना शुरू कर देते हैं और सुनने वाला सुनना ही नहीं चाह रहा, तो वो वेस्ट चला जाता है। इसलिए उन्होंने जिज्ञासा कहा, जो जानने वाला स्टूडेंट है, जो शिष्य है, उसमें एक सबसे बड़ा गुण होना चाहिए जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा है उसके पास तो उसको वही गुरु के पास जाएगा, आचार्य के पास जाएगा, उसको ढूंढता ढूंढता वहां जाएगा जहां वो मिलेगा, चाहे गुफा में बैठे हों, चाहे कहीं पे भी कंदरा में बैठे हों, वो उनको ढूंढ के उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा। तो दूसरी बात आपको मैंने बताई, ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है जिसको जानने की इच्छा है वो सबसे इम्पोर्टेंट शिष्य है, उसी को दिया जाना चाहिए। जैसे आपने देखा था गीता में भी, श्री कृष्ण ने अर्जुन ने पहले अध्याय के आधे से बोलना शुरू कर दिया, मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, मैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। द्वितीय अध्याय के 10 श्लोकों तक वो बोलता चला गया कि मैं भीख मांग लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं खून से मेरे हाथ सन जाएंगे, मैं नहीं मार सकता अपने लोगों को, मेरा हाथ सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है। कृष्ण भगवान चुप रहते हैं, बिल्कुल बोलते ही नहीं है। जब वो बिल्कुल कहता है शरणस्ते, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे बताओ मुझे बताओ, जब तक वो बोलता रहा उन्होंने कहा बोलो, जब तुम कहोगे कि तुम्हें जानने की इच्छा है तभी बताया जाएगा। तो जब उसने बहुत शरण में आया हूं मैं तुम्हारी, राही पाई माम अनुशाही माम, तब उन्होंने बोलना शुरू किया 11वें श्लोक से द्वितीय अध्याय के। और इसीलिए दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता, असली गीता शुरू होती है, कृष्ण उवाच शुरू होता है, श्री भगवान उवाच शुरू होता है। और वो भी उन्होंने पहला जो था वो भी उसका मजाक उड़ाया था, शोचानन शोचस्तम प्रज्ञा बाधांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुपंड अनुशोचंति पंडित। जहां रोना नहीं चाहिए वहां तुम रो रहे हो, जहां जहां पर हंसना चाहिए वहां तुम रो रहे हो, तो ये पंडित के तो लक्षण है नहीं। इस तरह से उसका मजाक बनाया था, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये व्यर्थ की बातें कर रहा है। जब लास्ट में वो सही रास्ते पर आया कि आप मुझे बताएं मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तब उन्होंने बताना शुरू किया। तो इसी ऐसे ही सारे उपनिषदों में हो रहा है, कई बार ऐसी कहानियां हैं वो जाएगा। अच्छा अब आप एक बात ये सोचो, आजकल की पढ़ाई में बीए में एडमिशन लेना है तो आपके पास 12वें का रिजल्ट या नंबर होते हैं,
वो देख के आगे का तय हो जाता है ये बच्चा किस लेवल का है, तो गुरु उसको वैसे पढ़ाना शुरू कर देता है। पहले के समय में ऐसा कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं, तो अब कैसे वो पता करेगा उसके गुरु आचार्य की, आप प्रॉब्लम देखो कि इसको कितना आता है, इसको कितना आता है, उसको कहाँ से पढ़ाना शुरू करना है, जो भी ज्ञान इसको देना इस किस लेवल से देना है। तो एक दूसरी दूसरा जो प्रश्न वो शिष्य है, एक तो जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु के तो उसका अंदर भाव है ना। अब वो जो जिज्ञासा करेगा प्रकट, जैसे ही वो गुरु के पास पहुंचा वो जिज्ञासा प्रकट करेगा, वो ही पहले बोलेगा, गुरु नहीं बोलेंगे, वो नमस्ते करेगा और फिर अपना कुछ बोलेगा। जैसे ही वो मुंह खोलेगा कुछ तो क्वेश्चन करेगा, जो भी वो प्रश्न करेगा उससे आचार्य या शिष्य या जो ऋषि गुरुदेव हैं उन्हें पता लग जाएगा कि इसके ज्ञान का लेवल क्या है। ये हमारे उपनिषदों में ऐसे प्रारंभ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो उदाहरण दूंगी, जैसे केन उपनिषद है, केन उपनिषद का पहला मंत्र है केन इष्टतम पतति प्रेषितम मनः, केन प्रथमाम प्राणम इमाम युनक्ति, किम इमाम वाचम वदन बोलने के लिए प्रेरित करता है। कौन है जो वाणी को बोलने के लिए प्रेरित करता है, कौन है जो मन को मनन करने के लिए प्रेरित करता है, कौन है जो कानों को सुनने के लिए प्रेरित करता है, ये क्वेश्चन करता है वो स्टूडेंट। तो इस प्रश्न से क्या पता लग रहा है, वो कौन है जिससे प्रेरित होकर मन मनन करता है, कान श्रवण करता है, आंख देखती है, वाणी बोलती है, यानी कि जो बोल रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है, उसको इतना पता है कि कोई एक तत्व है जो उसके पीछे है और वो ज्यादा पावरफुल है और वो ज्यादा शक्तिशाली और वो प्रेरक है, उसकी प्रेरणा से ये बोलता सुनता समझता देखता मनन करता है, इतना तो उसको पता है ना। तो ये गुरु को पता लग गया कि इसको इंद्रियों का पता है, इसको मन का पता है, इसको बुद्धि का पता है, इसको आत्मा का पता नहीं है, वो शायद ये पूछना चाहता है तो मुझे इसको आत्मा के बारे में बताना होगा। ये यहाँ पर एक प्रश्न से इतना जांच हो जाती है। इसी तरह से मुंडक उपनिषद में जाते हैं शौनक जाके उन ऋषि से पूछते हैं कि कस्मन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, हे भगवान वो कौन है जिस एक को जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है, वह कौन है, वह एक कौन है, एकम है, वह एक कौन है जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है। अब आपको समझ आ रहा है उसका प्रश्न में क्या छिपा हुआ है, उसकी नॉलेज क्या क्या है। उसकी नॉलेज ये है कि उसको ये पता है कि कोई एक तत्व है जिससे ये सब बना है ना। वो कह रहा है ये सब जाना जाता है, जो कि उस एक को जान लेने पर ये सब जाना जाता है, यानी उस एक से ये सर्वम बना है, ये सर्वम जगतम जगत बना है। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, किस एक को जान लेने पर ये सब कुछ जाना जाता है। तो अगर उसको इतनी नॉलेज है कि कोई एक तत्व है और उस एक तत्व से ये संपूर्ण जगत बनता है, सारा ब्रह्मांड बनता है, सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, तब तो इसको बहुत आगे की हाई नॉलेज देनी है, आत्म तत्व के बारे में, परमात्म तत्व के बारे में बताना है, इतना तो इसको आता है, ये गुरु को पता लग जाता है। तो उपनिषद में मैंने आपको बताया जो शिष्य है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, समझने वाले का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि एक तो उसको जिज्ञासा रखनी है, दूसरी जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए उसको कोई क्वेश्चन करेगा, जैसे ही क्वेश्चन करेगा आचार्य उसके बारे में जान लेंगे और फिर वो उसको देंगे ज्ञान देंगे। जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है उन्होंने वहां पर 9 स्टेजेस बताई है शिक्षा की, शिक्षा ग्रहण करने की। उसमें भी पहला शुश्रूषा है, सुनने की इच्छा, श्रवणम मननम निधिध्यासनम, ये सब आप सुनते हैं, सुनना मनन करना, सुनना नहीं, उससे भी पहले एक होता है शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। अगर सुनने की इच्छा नहीं है तो आप कितने बोलते रहोगे, वो क्लास में बैठा रहेगा सुनेगा ही नहीं, ऐसे होता है ना, क्योंकि मन अगर नहीं है साथ में तो सुनाई नहीं देता, अगर मन साथ में नहीं तो दिखाई नहीं देता। तो इस जो ये शुश्रूषा है, जो जिज्ञासा है, वो स्टूडेंट में होनी बहुत जरूरी है,
ये उपनिषदों ने हमें बताया है और तभी वो ज्ञान दिया जाना है। अन्यथा ऐसी भी कहानियां हैं कि गुरु जी देखते हैं कि इसको तो कुछ समझ में आने वाला नहीं, तो एक कहानी में ऐसा कर रहा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने उसको 400 गायें दे दी कि ये 400 गायें लो और जंगल में जाके इनको चराओ और इनका भरण पोषण करो और जब ये 1000 हो जाए तब आना। तो आप सोचिए उन्होंने कितने समय के लिए उसको वापस भेजा, 5-6 साल के लिए वापस भेजा कि जाओ वहां और वहां से घूम फिर के जब आओगे, इतना समय बिताओगे अकेले में घूम रहोगे तो तुम्हारा और ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ेगी, तब तुम्हें ज्ञान दिया जाएगा। आचार्य कैसे होने चाहिए, तीसरा पॉइंट, आचार्य के लिए इतनी कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसा आचार्य आज कल की तरह नहीं है जिसको कि नौकरी किसी और आधार पर दी गई है तो इसलिए उसको योग्यता ना हो, ऐसा कोई भी एक भी आचार्य नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो आचार्य बनेगा ही वही जिसमें ज्ञान होगा, उसको क्षोत्रिय और ब्रह्मिष्ठ कहा गया है, जिसने सारा ज्ञान श्रुति का ज्ञान प्राप्त किया, सारे वेद पढ़े हुए, सारे उपनिषद पढ़े हुए, जिसको ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको ब्रह्म में निष्ठा है, ब्रह्म माने ज्ञान, ब्रह्म माने मंत्र, ब्रह्म माने ब्रह्म, तो जिसको ब्रह्म में निष्ठा है पूरी तरह से वही पढ़ेगा, वही टीचर बन सकता है। तो इसलिए आचार्य जो है वो उनके दो ही लक्षण काफी है, श्रोत्रिय होने चाहिए और ब्रह्मिष्ठ होने चाहिए। तो इस तरह का ज्ञान जो है, पहला तो उपनिषद में ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है, किसको देना है उसमें जिज्ञासा चाहिए और जो देगा उसको सारा पढ़ा हुआ, ही शुड बी वेल वर्स इन एवरीथिंग, मास्टर ऑफ ऑल होना चाहिए, धनुर्वेद भी सिखाना पड़ सकता है, संगीत भी सिखाना पड़ सकता है। आपने देखा था वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश ही परवरिश होती थी, कैसे होती थी। तो इस तरह से ये हमारे तीन सिद्धांत मैंने आपको बताए। दृष्टि क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है उपनिषदों के अनुसार, वो भी सारा आज तक वही चल रहा है। हमारा जो भारतीय परंपरा है, इन मुख्य विषय आपका भारतीय परंपरा ही है, उपनिषदों से जो ज्ञान की परंपरा निकली वो भारतीय ज्ञान में बहती जा रही है नदी में मिलकर, वो एक दूसरी उसका एक मूलभूत सिद्धांत है आशावादी दृष्टिकोण। कहीं पर भी ये नहीं है कि ब्रह्म बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है तो दुनिया को छोड़ा जाना है, दुनिया को छोड़ने की कोई बात नहीं है, कर्मों को अच्छे से करना है, इंजॉय करना है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग करो, इंजॉय करो, प्रवृत्ति मार्ग पर जाओ, विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में जाओ, बच्चे करो, सारी चीजें बताई गई, कोई चीज से हटने को नहीं कहा गया। आपने सुना होगा प्रवृत्ति और निवृत्ति, खूब अच्छे से प्रवृत्ति मार्ग पर चलो, उसके बाद निवृत्ति पर जाना है वानप्रस्थ में जाके, इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, तो चारों अवस्थाओं में एक के बाद एक उसको घूमना है। तो ये सारा उसको जीवन को एंजॉय करना है, जीवन को से पलायन नहीं करना, कोई मुश्किल आने पर जीवन से पलायन नहीं करना है। ये जो आशावादी दृष्टिकोण है, वैदिक दृष्टि है जो, यही हमारे सारे भारतीय दृष्टि में भारतीय संस्कृति की मूल दृष्टि है। ये इसीलिए सुसाइड करना बहुत निंदनीय माना जाता है, पलायन करना है ना वो, इसलिए उसको मतलब ये वाली दृष्टि हमारी है ही नहीं। जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर लेना भी पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं, आपने देखा होगा बुद्ध धर्म, अगर थोड़ा बहुत बुद्ध धर्म का आपको पता हो तो बौद्ध धर्म में दुनिया में दुख है इसलिए दुनिया को छोड़ने की बात की गई है, भिक्षु बन जाओ ऐसे कहा गया ना, तो हमारे दर्शन में छोड़ने वाली बात नहीं की गई, बाद में छोड़ना है, जब सब कुछ कर लो अपनी ड्यूटी सारी तब छोड़ना है। तो आशावादी दृष्टिकोण जो वेदों का दृष्टिकोण है वो उपनिषदों में भी है, यहाँ पे कर्म का भी खूब उल्लेख किया गया, कर्म कांड का भी उल्लेख किया गया और ज्ञान कांड का भी उल्लेख किया। ज्ञान कांड में जब जाओगे तब कर्म कांड को छोड़ना है, जब वानप्रस्थ में जाओगे तब गृहस्थ को छोड़ना है, उससे पहले अपने ड्यूटीज अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है। कितने वर्ष तक जीना चाहिए, कहते हैं 100 वर्ष तक जीना है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि आपने वो सुना ही होगा, वो वाला तो मैं अलग से बता रही हूँ, जीवेम श्रद्धा शतम, पश्येम श्रद्धा शतम, सुनयाम श्रद्धा शतम, मैं 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक जीऊं, 100 वर्ष तक सुनूं, और भूयश्च श्रद्धा शतम,
इसके बाद दूसरा सौ भी शुरू हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। मतलब कि एक मंत्र जो मैं आपको कह रही थी वो मुझे मिला, उसमें वो ऋषि देवता से कह रहे हैं कि आपने हमें इतनी आयु दी है, ये पूर्ण आयु कहलाती है, 100 साल की आयु, और उसके अनुसार चार आश्रम भी बना दिए, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो 100 वर्ष का टाइम टेबल पूरा बना हुआ है, अब हम उसके अनुसार जीवन बिता रहे हैं। उसमें अगर बीच में आपने कटौती करी तो हमारा टाइम टेबल छूट जाएगा, काम पूरे नहीं होंगे, तो इसलिए आप बीच में तोड़ नहीं सकते, आप छोड़ बीच में काट नहीं सकते, पूरे देने पड़ेंगे आपको। ऐसे करके है, यद आयु देवहितं तदायु, हम प्राप्त करें देवताओं के द्वारा जितनी आयु हमारी निश्चित की गई है मंत्रों में उतनी हमें मिलनी चाहिए। तो ये तो बहुत आशावादी दृष्टिकोण है ना, इतनी लंबी आयु है, फिर हमारे इतने सारे कार्य हैं, फिर जीवन में हमें सब कुछ करना है, छोड़ना नहीं है, और साथ साथ में ज्ञान भी प्राप्त करना है। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का यहाँ पर प्रतिपादन है, ये ध्यान रखने की बात है। और यही तत्व है, यही एक वो अंडर करेंट है जो सारे भारतीय संस्कृति में चल रहा है। कोई भी ऐसा हमारे त्योहार ले लो, हमारे उत्सव ले लो, कोई भी व्रत ले लो, संस्कार ले लो, सब में खूब इन्वॉल्व होने की बात की गई है और उनसे विरक्त ही रहने की बात की गई। मैंने इसके साथ आपको कर्म का महत्व भी बता दिया। उपनिषदों में ज्ञान का महत्व है, लेकिन उसके बाद भी कर्म का भी महत्व है, और कर्म का महत्व क्या है, कितना है, इस पर लोगों के सिद्धांत है। कोई कहता है कर्म और ज्ञान का मिलन हो सकता है, कोई कहता है नहीं, मिलन नहीं हो सकता, दोनों को अलग रखना पड़ेगा। शंकराचार्य फॉर एग्जाम्पल कहते हैं एक नहीं हो सकते, ये कर्म और ज्ञान का समन्वय नहीं हो सकता, मतलब एक ही व्यक्ति एक समय में कर्म भी करे ज्ञान भी करे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे भरत प्रपंच में कहते हैं नहीं हो सकता है। तो ये सिद्धांतों की बात है, लेकिन उपनिषदों में कर्म का प्रतिपादन हुआ है, और जब ज्ञान में जाओगे तब उसको छोड़ देना है। कर्म का मतलब कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि करना, उनको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। तो एक वो सोपान की तरह है, जैसे सीढ़ी होती है, छत पर पहुंचना है तो अंतिम जो सीढ़ी है वो कर्म कांड है, उस तक पहुंच के आप अंतिम सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखेंगे छत पर तब आप छत में पहुंच गए, लेकिन उसके पहले आप सीढ़ी पर थे और वो सीढ़ी थी कर्म की सीढ़ी, अच्छे अच्छे गुणों की सीढ़ी, नैतिक आचरण की सीढ़ी, निवृत्त प्रवृत्ति मार्ग की सीढ़ी। तो इनसे हम ज्ञान तक ऊपर पहुंच सकते हैं। गीता की मैंने बात की, जो हमारे ग्रंथ जिन्होंने उपनिषदों से पूरा का पूरा लिया, गीता तो पूरी उपनिषद से ही निकली हुई है। आपने एक श्लोक सुना होगा, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर वोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सारे उपनिषद तो इकट्ठे करो, वो हैं गाय, उससे निकालेंगे दूध। कौन निकालेंगे? श्री कृष्ण निकालेंगे, क्योंकि वो गोप है। और किसके निमित्त निकालेंगे? अर्जुन के निमित्त निकालेंगे, क्योंकि अर्जुन वत्स है, बछड़ा है, और जो वो दूध निकलेगा उसका पान खाली वो बछड़ा नहीं करेगा। जैसे आज भी सारे लोग दूध पीते हैं, गाय का बच्चा ही नहीं पीता, तो वैसे ही गाय का बच्चा खाली दूध नहीं पिएगा, अर्जुन खाली दूध नहीं पिएगा, अर्जुन के माध्यम से सारे लोग उस अमृत का पान करेंगे। तो गीता जो है दैट इज मेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, लेकिन वो दी गई है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो है वो बहुत सुपात्र होने लगा, वो उसको समझेगा, उसको ग्रहण करेगा, अपने पास रखेगा, क्योंकि जब वो रखेगा तभी तो दूसरे को देगा ना, जो हमने परंपरा की बात की है। तो आखिर ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो कि उसको ग्रहण पूरी तरह से कर ले, अपनी झोली में पूरा भर ले, तो जब भर लेगा तो दूसरे को समा दे सकता है। तो ये उपनिषदों का सार बताया गया गीता को, और गीता में आपने 18 अध्याय के 18 अध्यायों के अंत में उसको उपनिषद ही कहा जा रहा है। सारे चैप्टर्स का नाम ही उपनिषद लिखा हुआ है, और उपनिषद का मतलब क्या है कि जिसमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, ब्रह्म की विद्या है जो। और अगर कोई आपसे कहे कि इसमें कैसे ब्रह्म विद्या है, तो आप कह सकते हैं कि गीता में सब एक ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो जहां पर श्री कृष्ण उवाच होता है, पूरे महाभारत में श्री कृष्ण उवाच होगा, लेकिन यहाँ पर श्री भगवान वाच लिखा हुआ है।
तो भगवान 18 अध्यायों में भगवान उवाच लिखा हुआ, संजय उवाच भगवान, तो भगवान उवाच, तो अगर वो ब्रह्म विद्या इसीलिए है क्योंकि वहां पर भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो जैसे मंत्र होते हैं वेद के वैसे ही उनका स्तर हो गया, उसी तरह के हाई लेवल के वो हो गए, इसलिए उनको ब्रह्म विद्या या कि उपनिषद कहा जाने लगा। फिर अद्वैत वेदांत, मैंने आपको बताया था कि अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत ये सब उसी उपनिषद से निकले। अद्वैत के लिए तो आपको बहुत सारे मंत्र मिल ही जाएंगे, एक वाला जहां पर एक की बात हो रही है, जो सब में एक को देखता है, एक में सबको देखता है, ईशावास उपनिषद में है, बहुत सारे उपनिषदों में ऐसा मिलेगा। लेकिन द्वैत वाले भी उसमें ढूंढ लेते हैं, आपने एक मंत्र याद करा होगा, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों एक से दिखाई देते हैं, दोनों के पंख वंख सब सुंदरता सब बराबर है, लेकिन उनमें से एक जो है वो फल को खा रहा है, पिप्पलम स्वादु अत्ति, एक तो स्वाद पूर्वक पिपल के फल को खा रहा है, पिपल का पेड़ है ना, तो उसका जो फल होता है उसको पिपल कहते हैं, पिपल, तो वो खा रहा है, और दूसरा जो है वो खा नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, उसको देख रहा है, तो ये जो देख रहा है वो तो साक्षी ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा है, और जो खा रहा है भोग कर रहा है वो आत्मा है। तो आत्मा भोग कर रहा है, ये कैसा अजीब सा लग रहा है? नहीं, अजीब सा नहीं है, क्योंकि उपनिषद में ये अच्छे से क्लियर किया गया है। लोगों को ये बात में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आत्मा कैसे भोगता है, वास्तव में आत्मा ही भोगता है जब वो मन इंद्रिय इत्यादि से संयुक्त होता है, जैसे हम लोगों का आत्मा है, हम लोगों का आत्मा ही तो भोग रहा है, शरीर तो बार बार बदल रहे हैं लेकिन बार बार आत्मा को ही तो भोगना पड़ रहा है, जो उसने कर्म किए होंगे उसका जो भी फल होगा वो आत्मा, तो जब वो इंद्रिय मन इत्यादि से संयुक्त होता है ऐसा आत्मा भोग करता है, और जब इनसे मुक्त हो जाएगा तब वो परमात्मा हो जाएगा, तब वो साक्षी हो जाएगा। तो द्वैतवाद जो है उसके मंत्र भी इसमें दिखाई देते हैं। जब शंकराचार्य इस मंत्र की व्याख्या करने आए, करने पड़ी उनको, क्योंकि वो अद्वैतवादी है, तो उन्होंने इस पूरे मंत्र को अद्वैतवाद से कर दी व्याख्या। आपने सुना होगा शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था, मंडन मिश्र द्वैतवादी थे क्योंकि वो कर्मकांडी थे, जो भी कर्मकांडी होगा, कर्मवादी होगा, वो हमेशा द्वैतवादी होगा, और जो ज्ञानवादी होगा वो अद्वैतवादी होगा, क्योंकि जो ज्ञानवादी है वो आत्मा ही को ब्रह्म मानता है, और जो कर्मवादी है वो कर्ता मानता है, और कर्ता जो है वो जब तक कर्ता भाव है तब तक दो का भाव है, कि मैं करता हूँ, कर्ता अहम् इति मन्यते। तो ये फिलॉसफी इसमें है। तो कहने का मतलब है, जो शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जब डिबेट हो रहा था, शास्त्रार्थ हो रहा था, तो उसमें यही मंत्र प्रमुख था, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, और वो अपने अनुसार उसका अर्थ कर रहे थे और वो अपने अनुसार अर्थ कर रहे थे। तो ये बड़ा मतलब जितने भी इसी तरह से रामानुज का विशिष्टाद्वैत है, जो जो भक्ति पर भी आ जाता है, तो उपनिषद में आपको बहुत सारे भक्ति के भी मंत्र दिखाई देते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे निकाले जा सकते हैं कि वो जो उसमें जिसकी श्रद्धा होती है आत्मा उसी को मिलता है, ब्रह्म उसी को मिलता है, इस तरह से। सांख्य की बात हमने की, एक तो कुछ छोटा मोटा देखा जा सकता है क्या, सांख्य दर्शन का सिद्धांत इसमें उपनिषदों से निकल रहा है क्या? अगर आपने मुंडक पढ़ा हुआ है तो मुंडक में एक मंत्र आपने पढ़ा था, पूर्ण नाभि मकड़ी, मकड़ी की तरह जाला जैसे मकड़ी अपने बॉडी से निकालती है और वापस ऐसे जाएगी इस कोने से उस कोने तक, तो जाला निकालती हुई जाएगी और फिर वापस जाएगी तो अपने अंदर जाले को लेती हुई चली जाएगी। तो यथा उर्ण नाभि सृजते गृहते च, जैसे उर्ण नाभि मकड़ी अपने से ही सृजन करती है, अपने में ही ग्रहण करती है, वैसे ही वो ब्रह्म अपने से ही सर्जन करता है, अपने में ही ग्रहण करता है, ये मंत्र मुंडक में। और आपको सांख्य दर्शन में बताया गया कारण सत्कार्यवाद, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, मिट्टी से घड़ा बनता है और वापस घड़ा टूट कर फिर मिट्टी में जला जाता है, तो जिस कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है वो कारण में वापस कार्य विलीन हो जाते हैं। तो ये भी हमें उपनिषदों में इसको सांख्य दर्शन को भी हम इस तरह से ढूंढ के देख सकते हैं, और भी कई सारे मिल जाएंगे, लोगों ने तो रिसर्च पेपर्स भी और थीसिस भी लिखी हुई है। एक तीसरा दर्शन और ले लेते हैं, योग दर्शन।
योग दर्शन जिस पर की पतंजलि ने पूरा योग भाष्य योग सूत्र लिखा, उसके आपको कठोपनिषद के अंतिम भाग में कई सारे मंत्र मिलेंगे, योग शब्द भी मिलेगा, योगो ही प्रभव अप्यय, योग ही है जो शुरू करता है और अंत करता है। तो इस तरह से योग दर्शन भी उपनिषदों से निकला है या उपनिषदों से ले रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक और बात है इसकी कि उपनिषदों में जो हमने देखी और इंटरेस्टिंग भी है, वो आख्यानों के माध्यम से, रूपक के माध्यम से कुछ कुछ दृष्टांत देकर कठिन बातों को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केनोपनिषद में यक्ष उपाख्यान है, यक्ष की कहानी। पहले उन्होंने बता दिया कि जो मन को मनन कराता है, जो देख आंख को दिखाता है, जो कान को सुनाता है, वही तो ब्रह्म है। आत्मानम, उसी को आत्मा समझो, उसी को ब्रह्म समझो, तद ब्रह्म इति विद्धि, उसी को ब्रह्म समझो। दो चैप्टर्स में ये बताया। उसके बाद तीसरे और चौथे में यक्ष उपाख्यान दिया गया। एक यक्ष है, वो आकाश में उदित हुआ, कुछ रोशनी जैसा है, समझ नहीं आ रहा वो क्या है। तो देवता नीचे चमत्कृत हो रहे हैं कि ये है क्या, तो पता लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अग्नि को भेजते हैं, तो अग्नि जी गर्भ में वहां तक पहुंचते हैं और वो उसको कहते हैं कि मैं, तुम कौन हो? तो कहता है मैं जातवेदस हूँ, मुझे तो सारी दुनिया जानती है, तुम नहीं जानते। तो यक्ष कहता है अच्छा तुम जातवेदस हो, अग्नि हो तुम, तो ये तिनका रखा है, इसको जरा जला के दिखाओ। अग्नि उसकी तरफ तेजी से जाता है, मगर वो जला नहीं पाता, लज्जित हो जाता है और लौट जाता है। फिर उसके बाद वायु के जाते हैं, वो वहां पर यक्ष से कहते हैं मैं वायुदेव हूँ। तो कहते हैं कौन वायुदेव? तो वो कहते हैं मैं मातृश्वा हूँ, सारी दुनिया मुझे जानती है, मैं सब जगह फैला हुआ हूँ, तुम नहीं जानते। कहता है नहीं। तो अच्छा तुम हवा उड़ा सकते हो, चलो उस तिनके को उड़ा के दिखाओ। तो वो तिनके को उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं उड़ता है, फिर वो लज्जित होता है, लौट आता है। तो तीसरे स्थान पर इंद्रदेव को भेजा जाता है और इंद्रदेव जाते हैं, तो वो जैसे ही उनको पूछता है तो इंद्र चुप हो जाते हैं। इंद्र समझ जाते हैं कि ये कोई और चीज है, ये रोशनी यक्ष नहीं है, कुछ और ही चीज है। और वो उनसे प्रणाम करके अपना आत्मनिवेदन इत्यादि करने लगते हैं। तो यक्ष देवी का रूप धारण कर लेता है और फिर उन्हें बताता है कि ये तुम लोग जो जीते थे, तुम लोग इतना अहंकार करते हो कि मैं अग्नि हूं, मैं देव हूं, मैं वायु हूं, मैं ये, तुम्हारी शक्तियां कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पीछे जो ब्रह्म की शक्ति है उसी से तुम्हारी शक्ति होती है। ये शिक्षा दी जा रही है इस कहानी में। तो जो मन हमारा मनन करता है, वो अपने से मनन नहीं कर सकता जब तक पीछे आत्मा नहीं होगी। कान सुनेगा नहीं, कान जितना भी सुनना चाहेगा सुनेगा, जब तक उसमें मन नहीं होगा और उसके पीछे आत्मा नहीं होगी। तो वास्तविक शक्ति, इंद्रियों की वास्तविक शक्ति आत्मा है, मन की वास्तविक शक्ति आत्मा है, प्राण की वास्तविक शक्ति आत्मा है। ये सिखाने के लिए पूरा यक्षोपाख्यानम है। ऐसे ही अनेक आख्यान आपको उपनिषदों में मिलेंगे। मेरी पूरी एक किताब भी लिखी हुई है उपनिषदों की कहानियों के ऊपर। नचिकेता की कहानी में आपने यम और नचिकेता की कहानी पढ़ी हुई है, उसमें भी कहानी दी गई है, फिर उसका विस्तार किया गया है। तो ये जो शैली है ना उपनिषदों की, ये भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत बहुत इस्तेमाल हुई। जहां भी कोई कठिन विषय लेना होता है, कहानी से शुरू करते हैं, या प्रश्न से शुरू करते हैं, या फिर निगेशन से शुरू करते हैं। तीन तरह से हो सकता है, ना 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 करके शुरू कर सकते हैं, या क्वेश्चन करके शुरू कर सकते हैं, या कहानी से शुरू कर सकते कठिन चीज को, रहस्य चीज को समझाने के लिए। तो ज्ञान परंपरा में खाली हम ज्ञान नहीं ले रहे, उनकी जो स्टाइल है, जो उनका तरीका है, जो उनकी शैली है, रूपकात्मक शैली या की दृष्टात्मक शैली, आख्यानात्मक शैली, उसका ग्रहण भी बाद के और लोगों ने आज तक किया है। कितनी माएं होती हैं, दादियां होती हैं, कहानी सुना सुना कर कितनी गहरी गहरी बातें बता देती हैं बच्चों को। तो ये उसी शैली का ही एक प्रकार है जो हम वर्तमान में देखते हैं। कुछ मंत्र हैं उपनिषदों के जो बहुत प्रसिद्ध हुए और बहुत बोले जाते हैं और बहुत सामयिक भी होते हैं। जैसे एक आपने सुना या पढ़ा होगा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न ही मा विद्युता कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वम् इदम् विभाति। कितना सुंदर मंत्र है, ब्रह्म तत्व से ही सब कुछ
शक्तिमान है, वही एकमात्र है जो सब जगह है, उसी की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। तो इसमें जितनी रोशनी देने वाली चीजें हैं सबको मना कर रहा है कि चंद्रमा उसको सूरज रोशनी नहीं दिखा सकता, चंद्रमा नहीं दिखा सकता, तारे नहीं दिखा सकते, विद्युत नहीं दिखा सकती, अग्नि क्या दिखाएगा, जिसको कोई रोशनी नहीं दिखा सकता, बल्कि जिसकी रोशनी से ही ये सब रोशन होते हैं वही तो ब्रह्म है। तो इस तरह के सुंदर सुंदर मंत्र भी आपको उपनिषदों में ही मिलते हैं। और एक मंत्र जो आप लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, अस्तो मा सद्गम है तमसो मा ज्योतिर्गम है मृत्युर्मा अमृतम गम है, वो भी बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। इसमें आप देखना चाहिए इसकी स्टाइल, जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो बहुत यूनिक है, जो आपकी मॉडर्न पढ़ाई की टेक्निक है उससे भी बढ़कर मुझे नजर आती है। तमसो मा ज्योतिर्गम है, अंधेरे, इसका अगर ट्रांसलेशन होगा तो होगा अंधेरे में नहीं रोशनी में जाए, कोई कह देगा रोशनी में जाए अंधेरे में नहीं, नहीं ये ट्रांसलेशन नहीं होगा। पहले वो मना कर रहा है अंधेरे में ना जाए रोशनी में जाए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ठीक है, अंधेरे में नहीं रोशनी में जाए, मृत्यु और मा अमृतम गमय, मृत्यु में नहीं अमरता में जाए, और असतो मा सदगमय, असत में नहीं सद में जाए। मतलब कि पहले निगेशन है, पहले निषेध किया गया है, फिर उसको प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर जो निषेध और प्रतिपादन है वो बहुत बहुत साइकोलॉजिकल तरीका है और साइंटिफिक भी है। जो हटानी है जिस चीज को, पहले उसको हटाएंगे ना, जब वो हट जाएगी जगह खाली होगी तभी तो दूसरी चीज आएगी। तो इसको विधि निषेधात्मक शैली कहते हैं, जो वेदों की शैली है, और वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और इसी को इंग्लिश में डू एंड डोंट डूज कहते हैं। जब माँ बच्चे को सिखाना शुरू करती है, 6 महीने का बच्चा ही चलो ले लो, वो कुछ टच करना चाहता है, उठाना चाहता है, बाल खींचना चाहता है, चेन उसकी पकड़ता है, तो वो कहती है नहीं 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 नहीं, यहीं से शुरू होती है पढ़ाई उसकी, नहीं से ही शुरू होती है, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो पहले ना वाली चीजें होंगी, ना वाली चीजों के बाद हाँ वाली चीज होंगी। तो ये उपनिषद का आपका जो मंत्र था ये हमें ये शिक्षा देता है। आपका जो आदर्श वाक्य है झंडे में लगा हुआ है, हमारा जो मुद्रा में लगा हुआ है, देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, असतो मा सद्गम है, क्या है, सत्यमेव जयते, ये है ना, सत्यमेव जयते। तो इसका पूरा मंत्र क्या है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही जीतता है झूठ नहीं, यहां तक है ये मंत्र, उसका थोड़ा सा हिस्सा ले लिया गया है। इसमें भी पहले उसने कहा एक चीज और फिर उसको दूसरी चीज को मना किया, झूठ नहीं सच में जाओ, सच ही जीतता है झूठ नहीं जीतता है। तो आधा लेना नहीं है, आधा लेना गलत है, मतलब दोनों पक्ष लेने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से इसको सोचिएगा तो समझ में आएगा। खाली आपको यही दिन भर बताया जाए कि ये करो ये करो ये करो ये करो तो नहीं, आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो। तो शिक्षा के ये दोनों स्वरूप उपनिषदों ने प्रतिपादित किए थे, जो बहुत साइकोलॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं, और इन दोनों का ही महत्व है, इसका इसको ध्यान रखना चाहिए। तो यही कुछ खास बातें मैंने बताई जो आगे तक हम देखते हैं कि उपनिषदों की परंपरा ज्ञान की परंपरा में दार्शनिक परंपरा के रूप में चलती रही और आज भी हमें भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान के जो ग्रंथ हैं, जो प्रादन होते हैं, उनमें दिखाई देती है। सभी को धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए और नमस्ते। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम, आपको उद्बोधन अत्यंत ही ज्ञानवर्धक था। आपके माध्यम से उपनिषद संबंधित अत्यंत सारगर्भित एवं सुंदर विवेचन सुनने को मिला। मैम श्रावण पूर्णिमा का शुभ दिन एवं आपके सत वचनों का संयोग ऐसा संभव हो पाया, यह हमारा सौभाग्य है। अब मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि वे अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लाइव भी पूछ सकते हैं। लाइव पूछे तो अधिक अच्छा रहेगा, चैट बॉक्स, हाँ जिनका प्रश्न पूछ सकते हैं लाइव आकर पूछ लीजिए।
हेलो मैडम, पांडे जी प्रश्न पूछना चाह रहे थे। बोलो मैडम जी। हाँ हाँ जी बोलिए। मैं कृष्णकांत जी। हाँ कृष्णकांत जी जी। हाँ हाँ, मैं धर्मद्रा आर्मी पब्लिक विद्यालय से बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है माननीय श्री सुशी तिवारी जी से कि हमारे जो उपनिषद में आत्मा और मन के बीच क्या संबंध है? आत्मा और मन का संबंध? वैसे तो वैसे अगर समझ में आ गया, मैंने माइक ऑन किया हुआ है तो दोनों वो हमारे यहाँ क्रम हमारे यहाँ क्रम बताया गया है। अगर आप क्या संबंध है, तो हमारे अगर क्रम से चलेंगे तो सबसे पहले सबसे मोटी चीज सबसे पहले आएगी, ग्रॉस चीज जो है, स्थूल चीज है, तो शरीर है, फिर इंद्रियां, इंद्रियां भी दिख रही है ना, फिर उसके बाद मन जो दिखना बंद हो गया, अंतःकरण उसको कहते हैं, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद अहंकार, इगोइज्म अहंकार, उसके बाद और तत्व छोड़ देते हैं, आत्मा आ जाएगा। तो इतने इतने लेवल हैं। हमको हमको आत्मा का अपने अंदर बैठा हुआ अपने आत्मा का पता नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, दिस इज ओनली नॉलेज। नॉलेज इज एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन, नथिंग, अपने को जानना है। तो अपने को जानने के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कवरिंग लगी हुई है सारी ऊपर, एक जैसे होते कि हम जान नहीं थी, कहानियां परी की कहानी पढ़ते थे कि एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बे के अंदर उसके छोटा डिब्बा, उसके अंदर छोटा डिब्बा, पांच डिब्बों के जो सबसे छोटा डिब्बा होगा नीचे का, उसके अंदर उस तोते की जान, ऐसी कहानी होती थी ना। तो ये मतलब एक डिब्बे के हमारी इंद्रियों को पहले हटाओ, फिर उसको मन को हटाओ, मन जो है बुद्धि को, तो होना चाहिए कि ये एक दूसरे को कंट्रोल में करें, जो बड़े वाले ऊपर वाले, बड़े वाले नीचे वाले को कंट्रोल करें। होता नहीं है, ये हो रहा है उल्टा। मन जो है वो इंद्रियों की बात मान रहा है, बुद्धि जो है वो मन की बात मान रही है। होना चाहिए बुद्धि मन को नियंत्रित करे, मन इंद्रियों को नियंत्रित करे, इंद्रियां शरीर को नियंत्रित करे। तो आपको डायरेक्ट आत्मा से मन का संबंध नहीं है, बीच में और चीजें भी है, उनको लाद लाना पड़ेगा, तब तब संबंध हो जाएगा। और कोई प्रश्न है किन्हीं का? मैडम जी, मैडम मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विनोद तिवारी हूँ। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैडम नमस्कार कर रहा हूँ, डॉक्टर विनोद तिवारी अभिनंदन कर रहा हूँ। आप अभी बहुत उदाहरण दिया था सिवान से जिला हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। हमें हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए कृष्ण। हाँ मैडम, मैं मैडम बहुत ही प्रेरणादायक वक्त है। तो बोलने को देना है, देखो अभी कृष्णकांत जी भी पूछ रहे हैं क्या, विनोद जी को देना है अवसर। हाँ विनोद जी बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। हाँ बोलिए आप। विनोद, हाँ विनोद सर बोल रहे हैं मैम। विनोद सर। हाँ हाँ जी जी जी। मैडम नमस्कार है, सबको अभिनंदन कर रहा हूँ। जी जी मैडम, अभी बहुत ही ऐसी मौलिक जानकारी हुई जो पहले मैं नहीं जानता था कि सारे जो षट दर्शन है, न्याय वैशेषिक और सांख्य योग, ये सबकी उत्पत्ति उपनिषद से हुई अभी मैं जाना मैडम। मैं पहले इनको अलग अलग इंडिपेंडेंट समझता था। बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ मैडम। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो वेदांत के जो फोर स्कूल्स हैं, तो सब लोग चार ही जानते थे, आपने कहा कि नौ स्कूल हैं, तो थोड़ा सा एक एक वाक्य उसकी जो मौलिक चीजें कृपया बता दी जाए, वेदांत की जो वो बता दिया जाए, सभी आचार्यों का थोड़ा सा समय दे करके बताइए, वेदांत के अलग अलग जो संप्रदाय है मैडम प्लीज। मुझे तीन तक पता है क्योंकि मैंने देखा है, सबके अपने अलग अलग सिद्धांत है ना। और मैं बिल्कुल जैसे आप अगर मुझसे न्याय का भी पूछेंगे तब भी मैं यही उत्तर दूंगी। मैंने देखा है कि एक को समझने में इतनी कठिनाई होती है, फिर दूसरा समझो उसकी अलग कठिनाई है, तीसरा समझो उसकी कठिनाई, अच्छा तीन से आगे जैसे तुम चौथे में जाओगे ना, इतना गड्ढ बड्ढ होने लगेगा, तो
इसलिए मैंने कभी ये चेष्टा नहीं की तीन तीन से ज्यादा किसी चार दर्शनों में को एक साथ समझने की कोशिश करूँ। तो एक तो ये वजह है इसके अद्वैत द्वैत मैंने अच्छे से किया। द्वैता द्वैत जैसा कि नाम से पता लग रहा है द्वैत भी है और अद्वैत भी है। फिर इनका भेद वो नाम से जो पता लग रहा है उतना ही पता है मुझे और ज्यादा नहीं पता। बाकी इन तीनों के बारे में तो अच्छे से पता है लेकिन तीन के आगे चौथे से लेके नौ तक का मैं ज्यादा नाम ही बता सकती हूँ उसके ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि आपको मैंने रीजन दिया सबके सिद्धांत आपस में इतने विपरीत हैं फिर वो समझ की मेरी सीमा है अपनी बुद्धि की मैं और क्या कह सकती हूँ। जी 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 धन्यवाद जी जी मैडम धन्यवाद है। अच्छा विनोद जी आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है एक व्याख्यान हम इस पर रखेंगे जिससे वेदांत के सभी संप्रदायों पर प्रकाश डाला जाए। जी जी मैडम जी रखा जाए और मैं भी उसमें प्रतिभागी रहना चाहता हूँ मैडम जी। बिल्कुल 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 जी जी मैं बोलता हूँ। जी सर नमस्ते सर। शशि तिवारी बहन जी को पहले प्रणाम करता हूँ मैं प्राचार्य महोदय और संयोजिका महोदय सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्तम विषय आपने दिया और हमारी शशि बहन जी तो बिल्कुल साक्षात विदुषी हैं ज्ञान और वेद की। इन्होंने जिस तरह से कहा कि ज्ञान के बारे में तो केवल प्रशंसा ही करूंगा मेरा कोई प्रश्न नहीं है ज्ञान जिज्ञासु इनके आगे कौन भी प्रश्न करेगा। और उपनिषद सही कहता है कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथा यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। उपनिषद ये स्पष्ट कहता है कि जिस प्रकार आपकी भगवान में देव में भक्ति हो वैसे गुरु में भी होनी चाहिए तो ये अर्थ तब प्रकाशित होते हैं। इसी तरह से कठ भी कहता है कि पहले विश्वास होना चाहिए अस्तित्वे उपलब्धव्य तत्व भावे न चोभयो। और प्रश्न में उपनिषद में तो खास कहा कि पांच ऋषि जब क्षेत्र गए तो उनसे भी उद्दालक ने ये कहा कि तपसा श्रद्धया ब्रह्मचर्येण संवत्सरम संवत्सर तपसा तपति द्वारा ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के द्वारा एक वर्ष तक रहो तब उनको कहा। तो हमारी शशि बहन जी ने सही कहा कि योगी विशिष्ट को भी गुरु ढूंढता है और उसी स्तर से बताता है और उपनिषद तो वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा है। मैं शशि तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ और आप सबको अभिनंदन करता हूँ। हाँ पांडे जी धन्यवाद आपने अच्छा पक्ष दिखाया लेकिन आप आए आपको धन्यवाद। हाँ प्रदीप पांडे जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैम जी गायत्री तिवारी वो ये तो बहुत दूर कहीं रहती है इलाहाबाद गांव में रहती है आजकल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना पड़ा ना। हाँ बोलो गायत्री कुछ पूछना है। हाँ गायत्री पूछिए गायत्री जैसे एक श्लोक आपने बताया एक मिनट होगा एक एक करके पूछिए। हाँ दूसरे माइक लोग बंद कर दें आप सभी माइक म्यूट कर दीजिए गायत्री विनोद आप अपने माइक बंद कर दें विनोद प्रदीप अपने माइक बंद कर दें के बाद प्रदीप जी प्रश्न पूछेंगे पहले गायत्री जी। हाँ गायत्री बोलो जी मैम जैसे आपने द्वैतवाद के लिए एक श्लोक बताया द्वार सुपर्णा संयुजा सखाया क्या ऐसे अद्वैतवाद को बताने के लिए भी कोई श्लोक हमें प्राप्त हो सकता है क्या विषय बहुत अद्वैत के तो भरे पड़े अद्वैत के तो भरे पड़े ईशावास्य में चले जाओ यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति सब में एक को देखता है एक में सबको देखता है तो जहाँ भी एक वाला आ रहा है वही है वो अद्वैत है ना बहुत है एक के तो बहुत है। थैंक यू मैम। एक लिंक भेजा हूँ देखिए उपनिषद वाला चल रहा है। प्रदीप पांडे जी पूछ सकते हैं प्रश्न। जी मैडम प्रदीप पांडे जी पूछिए। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ द्वास सुपर्णा वाला जो श्लोक मैडम ने बताया ठीक है इसमें दो मित्र हैं तो ब्रह्म का रूप कौन सा मित्र है और आत्मा का रूप कौन सा मित्र है। मैं लिंक भेज दिया हूँ देखिए ये है आपने बोला कि दोनों एक कुछ और बोला था ना दो मित्र तो ठीक है
दो मित्र वो मेरे ख्याल से कृष्ण और सुदामा है। अच्छा। और उसमें आत्मा का रूप कौन है और ब्रह्म का रूप कौन है? उसमें आगे यही तो कहा गया, एक खाता एक नहीं खाता, देखता रहता है। अभी चाक्षी थी। हाँ तो एक स्वाद पूर्वक खाता, एक अनशनन अभी चाक्षी थी, एक बिना खाए हुए उसको देखता रहता है। तो जो खाता है वो आत्मा है और जो नहीं खाता है वो ब्रह्म। और आपका ये सुदामा कृष्ण वाला मुझे अच्छा लगा। मैं तो बहुत प्रसन्न हो रही हूँ कि ज्ञान परंपरा में चलो काव्य तक जा रहे हैं ये लोग उपनिषदों को लेके, बहुत अच्छी बात। मैडम एक राम जी उपाध्याय जी ने लिखा है द्वा सुपर्ण नाम का उपन्यास, उसमें उन्होंने कृष्ण और सुदामा का ही उदाहरण दिया है। हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा और मुझे ध्यान आ रहा है जो हिस्ट्री है जो हम लोग की हड़प्पा की सिविलाइजेशन, उसमें भी एक मुद्रा मिलती है जिसमें वो दो पक्षियों की ऐसी फोटो है, उसको भी कहते हैं द्वा सुपर्णा। तो वो वहां पर हड़प्पन सभ्यता ही वैदिक सभ्यता थी ये सिद्ध करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जी मैडम, तो रामजी उपाध्याय जी ने सुदामा को ही ब्रह्म बताया है और कृष्ण को आत्मा का रूप बताया था, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाह रहा था। नहीं वो नहीं हो सकता, इतनी इतना नहीं कर सकते हम। मतलब मैं नहीं मान पाऊंगी, बाकी उनकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू मैडम। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए मैम के बारे में कुछ कहने के लिए, क्या मिल सकता है? मधुसूदन द्विवेदी जी कुछ कहेंगे आप? जी साहब, ये जैसे आपने द्वा सुपर्णा से जो सखाया ये मंत्र की व्याख्या करी, तो जैसे गीता जी में है द्वाभिमुख पुरुषो लोके चरश्चाक्षर एव च, उत्तमा पुरुष तन्या, तो इसमें तो दो जी बता दिए और तीसरे एक अन्य और बता दिए, तो ये तीसरे कौन है? तो एक हमारे यहाँ त्रैतवाद भी है ना, ये वो मंत्र उनके लिए अच्छा मान लिया जाएगा। अच्छा जी, आप ये देखो, मैंने एक और वाद नहीं बताया, त्रैतवाद भी एक है जी। तीन को मानते हैं, और ये जो द्वा सुपर्णा मंत्र है वो त्रैतवाद भी यूज कर रहा है। वो जो पेड़ है ना जी, जिस पर दो पक्षी बैठते हैं, तो वो पेड़ को तीसरा ले लेते हैं, प्रकृति प्रकृति मान लेते हैं। तो त्रैतवाद जो चलता है स्वामी दयानंद जिसके सपोर्टर हैं, तो वो भी इसी में से निकल रहा है। यही तो मंत्रों की खास बात है। आपको ये, मैं तो हैरान, वैदिक मंत्र जो हमारे दृष्टा ऋषि हैं उनके ऊपर हो जाती हूँ कि वो इतने अर्थ उसमें हैं कि जितने चाहे निकाल लो, जितने अर्थ चाहे निकाल लो। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी निकलेंगे आगे के, और भी लोग कोई ना कोई निकलेंगे भाष्यकार। मैंने भाष्यकारों पर एक बुक लिखी है, वैदिक भाष्यकारों पर, तो मैंने देखा नासदी जैसे इस मंत्र तो 20-20 भाष्य हो गए, 20 भाषों के बाद भी अभी उसमें गुंजाइश है और अभी निकल सकते हैं, क्योंकि जो असली अर्थ है वो अभी भी खुलानी है। तो ये तो वैदिक ऋषियों की महिमा है और कुछ नहीं। हाँ गायत्री कुछ कहेंगे? गायत्री को फिर कुछ कहना है? गायत्री जी बोलिए, तुम्हारा माइक माइक खुल। हाँ हरिओम, मेरी आवाज आ रही है? जी गायत्री जी बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं मेरी मुलाकात मैम से 2015 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने मैम का व्याख्यान सुना था, तभी से मैं मैम के व्याख्यान, जब भी मुझे मतलब पता चलता है कि इस विषय पे मैम का व्याख्यान होगा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मैम के व्याख्यान में उपस्थित रहूँ। और सच में बिल्कुल मतलब कठिन से कठिन विषय को भी मैम इतने सरल शब्दों में और व्यवहारिक जीवन में ला के बताती हैं। बिल्कुल आज का दिन हमारा संस्कृत दिवस भी है और अच्छा मिलन, आज का दिन सच में दो उत्सव था, और मैम की व्याख्यान सुन के पूरा आज का दिन सर्व मैं एकदम कुशल हो गया और बहुत ही आनंद आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम सबका हम सब गायत्री सुचित्रा का तुम्हारा काम कर रही है थोड़ी देर। धन्यवाद धन्यवाद गायत्री। थैंक यू मैम। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ कहूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ 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 मधु जी बोलिए।
मैं शशि मैम को नमस्कार है। मैं उनसे एक प्रश्न ये पूछना चाह रही हूँ शशि मैम जी आपसे, कि जो गीता के 15वें अध्याय में जो एक अश्वत्थ की बात कही गई है, ऊर्ध मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित, तो इसके माध्यम से भी अद्वैत ब्रह्म की ओर ही इशारा किया जा रहा है, पर ये जो आख्यान के माध्यम से बताया गया है कुछ इस पर प्रकाश डालेंगी मैम? इसके विषय में थोड़ा जानना चाहती हूँ मैं। ये सृष्टि की का वर्णन हो रहा है, ऊर्ध मूल अवाक शाख, ये जो अश्वत्थ पेड़ है, जो बरगद के पेड़ आजकल होते हैं ना, ऐसे आपने देखे होंगे, जड़े ऊपर ऊपर से नीचे फिर आने लगती है ना, देखा है ये पेड़, बरगद का पेड़ होता है ऐसा। और यहाँ पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, जो पुराने शहर है उनमें जो खूब मिलते हैं, तो मिल गए होंगे आपको बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को अश्वत्थ कहते हैं, वो जो कि रहता ही रहता है, श्वत्थ मतलब रहते ही रहता है, कल भी रहेगा, श्वा माने कल होता है ना, तो शब्द इसीलिए। हाँ, तो ऊर्ध्वमूल अवाक शाख, इसकी शाखाएं नीचे होती है और जड़ ऊपर होती है, तो जड़ जो है वो ऊपर, वो तो ब्रह्म हो गई, कारण हो गया, परम कारण तत्व हो गया, और शाखाएं जो है वो नीचे है, मतलब विस्तार जो है वो और हो रहा है, और हो रहा है, और हो रहा है, उसी से और, उसी से और, ये दुनिया का, दुनिया का मतलब इस तरह से सृष्टि जो है वो कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई है। एक ये सिद्धांत जो साइंस का है वही वेदों में और सारी फिलोसफी में, हमारे जो फिलोसफी है ना, जहाँ इनकी विज्ञान का आदमी कोई वैज्ञानिक बैठा हो तो वो थोड़ा नाराज हो जाएगा, जहाँ आदमी, जहाँ विज्ञान खत्म होता है ना, वहां से हमारा दर्शन शुरू होता है। दर्शन शुरू, जी बिल्कुल। तो इसलिए दुनिया का जो फैलाव है उसकी चर्चा उपनिषद नहीं कर रहे, सिर्फ वो ये बता रहे हैं कि ये जो इतना दुनिया का फैलाव है उसका परम कारण तत्व, मूल तत्व ब्रह्म है, वो एक है और वो ऊपर है, मतलब वो तो ऊपर वाला तो बहुत और भी मंत्रों में आपको मिल जाएगा ना, या परमेष्ठी, परमे व्योमन नास्ति सूत्र कहता है, जो परमेष्ठी है वो परम व्योम में बैठता है, जी, परम व्योम में बैठता है। तो ये हमारे यहाँ बोल देते हैं भगवान ऊपर रहते हैं, आसमान ऊपर देख के क्या देते हैं ना, क्या कर रहे हैं आप, तो वो सांकेतिक रूप में, तो यहाँ भी वही बात है, लेकिन दुनिया के विस्तार की बात है, सृष्टि के विस्तार, सृष्टि के विस्तार, और एक एक तत्व एक से हो रही है, एक से अनेक की उत्पत्ति, तो वही एक बात है। और अगर सृष्टि को छोटे से सेंटेंस में समझना हो तो वो ये है कि जब एक से अनेक होता है, दैट इज सृष्टि, क्रिएशन, और जब अनेक वापस एक में जाता है, डाइल्यूट होता है, पूरा उसी में मर्ज हो जाता है, तो फिर प्रलय हो जाता है, एक ही रहने वाला है, बस एक ही, पूर्णमदा पूर्णमिदम, एक ही रहेगा, विस्तार करके फिर अंत में उसी में विलय हो जाता है, मैम। आपसे हैदराबाद में मुलाकात हुई थी 2011 में, वहाँ जब एक सेमिनार हुआ था हैदराबाद विश्वविद्यालय में, आपसे मुलाकात हुई थी। कहाँ पर है आप आजकल? मैं गाजियाबाद में ही हूँ, MMH कॉलेज में हूँ। अच्छा, जी जी। हाँ, तो गाजियाबाद तो हम आते जाते रहते हैं, पांडे जी वहीं से तो आए हुए हैं, गाजियाबाद से। अच्छा जी, राजेंद्र नाथ पांडे जी जो है, किताबें शब्दों पर लिखी हुई है जी, और वैसे तो एक, एक उसके आप रहे ना, इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे, मगर अब उपनिषदों में रुचि है, वही मैं कह रही हूँ ना, पराकाष्ठा तो यही ग्रंथ है हमारे, जो चरम पर, जो चरम है ज्ञान का चरम, वो इन्हीं ग्रंथों में, बाकी और मैं तो उसके नीचे की चीज है, वो तो अवाक शाख है, वो तो शाखाएं फैली हुई है, मैनेजमेंट हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे साइंस हो, उसी से, उसी के छोटे छोटे इधर उधर बिखरे हुए तंत्र में, इसी के लिए आगे कहा गया कि अपंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इन्हीं के लिए कहा गया है। मैम, मैं डॉक्टर प्रताप दो मिनट बोलना चाहूंगा। प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं ममता, हमारे वेबिनार में बहुत प्रबुद्ध लोग दूर दूर से शामिल हुए। जी मैम, ये देखो मुझे दिख रहा है प्रताप चंद्र राय, तुम जानते होगे इनको, प्रताप चंद्र। मैडम मैं दो मिनट बोलना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और फिर 10 से 11 साल पहले से कलकत्ता में चला गया और अब वहाँ लेक्चरर है, तो कलकत्ता हो गया, हैदराबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, वो बनारस, इलाहाबाद, कहाँ कहाँ से लोग आए। हाँ बोलो प्रताप, क्या कह रहे हैं? मैं आज के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो भी मैम के
व्याख्यान को पसंद करते हैं उनके लिए शुभ समाचार देना चाहता हूँ कि अगस्त महीने के 22 और 23 अगस्त को हमारे विश्वविद्यालय में मैम का पुनः एक बार व्याख्यान होने वाला है। आप लोग प्लीज उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं। बस यही बताने के लिए मैंने फोन किया। धन्यवाद धन्यवाद प्रताप जी। नमस्कार महोदय जी, प्रश्न काफी हो चुके हैं मुझे लगता है, समय की सीमा है अपनी। अभी किसने बोला? हाँ जी हाँ जी सुचित्रा, हाँ पूछना चाहता है। हाँ जी कौन पूछ रहा है, नाम बताइए अपना। नीतीश गौड़ जी। हाँ जी नमस्कार बोलिए। मेरा प्रश्न तो नहीं है लेकिन बस मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैम का, बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृत दिवस के शुभ पावन अवसर पर आज मैम को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं दयालबाग यूनिवर्सिटी में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, और उपनिषद जैसे विषय पर आज हमने सुना, तो आयोजकों का और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम धन्यवाद। चलो संस्कृत दिवस में ये बहुत अच्छा वैसे आपने प्रोग्राम रखा सुचित्रा और ममता, धन्यवाद। और सब जगह के ये पुराने लोग हमें देखने को मिल रहे हैं, तभी संस्कृत दिवस सचमुच में आज अच्छा अच्छा स्मरणीय दिवस बन गया। बिल्कुल मैम, वेव्स के कॉन्फ्रेंसेस में आपको सुना था, आज इतने समय बाद सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने जो हमारा ज्ञान की परंपरा उस पे गर्व करने की बात है, और अगर कहीं समझ नहीं आता, लोग अक्सर कह देते हैं ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो समझ नहीं आता तो वो हमारी समझ का दोष है, उनका नहीं है, उस मंत्र का नहीं है, उसको समझ वो उसमें तो गहर नहीं गहर बात होगी ही होगी। क्योंकि एक दूसरी चीज मैंने पाई है अब तक इतने सालों से पढ़ाई करते करते कि आजकल के आपके साइंटिस्ट हो कोई भी हो चिंतक हो, वो अपने जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला होता है उस पर 100% श्योर नहीं होते हैं, कभी कभी वापस भी ले लेते हैं। जैसे कहेंगे इस चीज में विटामिन सी होती है, 10 साल बाद बोलेंगे इस चीज में इसमें विटामिन सी नहीं होती, इसमें आयरन होता है, तो वो बदल सकते हैं। मगर हमारे जो वैदिक ऋषि हैं वो कभी भी कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि शायद ऐसा होता हो ऐसा है, कहीं नहीं कहा, वो बोलेंगे है बस है, सत्यमेव जयते नानृतम, सच जीतता है झूठ नहीं। उनका स्टेटमेंट जो होता है कहीं भी संदिग्ध नहीं होता, शायद और मे बी और आई वुड बी और शुड बी और कैन ये वाले शब्दों को यूज नहीं करते। तो उन्होंने अच्छे से परख कर सत्य को तभी उसमें मंत्र रूप दिया है, इसलिए अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो वो हमारा दोष होगा ना कि शास्त्र का दोष होगा। इसलिए शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, बार बार शास्त्र को पढ़ना चाहिए। और हमारे आपको ये भी ज्ञात ही है कि स्वाध्याय जो है उसको हमेशा बहुत महत्व दिया गया है। सब कुछ करना है स्वाध्याय, सब कुछ करना है, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, श्रमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। जब भी वो वायवा होता है ना, ये वो कन्वोकेशन होता है, तो इसको पढ़ा जाता है, अनुशासन है ये, और सब कुछ करना है लेकिन स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है। तो आपको एक और भी बात मैं बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा ये जो संस्कृत दिवस है इसको हम रक्षाबंधन राखी वाला दिन तो कह ही रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम जो वेद से आपके प्रिंसिपल महोदय ने जोड़ा था कि उपाकर्म इसमें होता है, वो भी सत्य बताया, लेकिन एक इसका नाम और भी है स्वाध्याय दिवस। आज के मैंने कहीं पढ़ा कि इसको स्वाध्याय दिवस भी कहते हैं, तो ये हमारा जो वेद है उसका नाम भी तो स्वाध्याय है, वेद को भी तो स्वाध्याय कहते हैं। बहुत सारे वेद के नाम है ना, श्रुति आगम इत्यादि, तो उसमें स्वाध्याय भी, और स्वाध्याय मैंने स्वयं पढ़ना भी, और वो अनुशासन पर मैंने आपको बताया कैथलिक उपनिषद का जो ऋषि कहते हैं कुछ करना स्वाध्याय मत छोड़ना, स्वाध्याय मरते मरते दम तक स्वाध्याय मत छोड़ना, नमस्ते स्वाध्याय प्रजननश्च, यहाँ तक कहते हैं अच्छे होंगे तब भी स्वाध्याय मत छोड़ना। जी तो हमने वो स्वाध्याय का ही आज करा काम, और जी मैं आज की पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत, और संस्कृत दिवस भी मना लिया, और रक्षाबंधन जी 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 और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सब लोगों को देखकर, बहुत
पहचाने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और अच्छे अच्छे लग रहे हैं सब लोग। सुबह का समय, सुबह वाला वैसे वेबिनार में ये अच्छा होता है कि सब जी 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 मैम ये है ना, और शाम को भी लोग रखते हैं उसमें थके थके खरीदते हैं। हाँ जी, मेरे हिसाब से मैम के माध्यम से सभी जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाप्त हो चुकी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद मैम। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो एवं श्रेष्ठ के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। कठोपनिषद का यह वचन इस समय चरितार्थ हो रहा है। मैं माननीय अतिथि वक्ता डॉक्टर शशि तिवारी महोदया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त क्षणों में से हमारे लिए समय निकाला तथा उपनिषदों की ज्ञान परंपरा से हमें अवगत कराया। आपके प्रासंगिक व्याख्यान से सभी श्रोतागण अति लाभान्वित हुए हैं। भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद साहित्य ही है, जिसे आपने सरल व सहज शब्दों में हृदयंगम बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं माननीय प्राचार्य महोदया की भी आभारी हूँ कि आप अति व्यस्त होते हुए भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। आपकी उपस्थिति ही हमें ऊर्जा युक्त कर देती है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आपकी सदाशयता हमारे लिए सदैव इसी प्रकार बनी रहेगी। धन्यवाद मैम। चित्रा जी, हाँ जी, हाँ ममता, एक विषय मैं भी इसमें बोलना चाहूंगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल बोलो। जो अश्वत्थ का प्रश्न था, तो अश्वत्थ जो है निग्रोध जो वर्ग है उसका वृक्ष माना जाता है। अश्वत्थ को पीपल का भी पर्याय माना जाता है और अभी मैंने कहा बरगद का, परंतु जो लोक में प्रसिद्ध है वो अश्वत्थ पीपल के रूप में है। इतने भी जो उपमा दी जाती है उसको देखते हुए लगता है कि बरगद है, परंतु वेदों में आदित्य को अश्व कहा गया है और अश्व जिसमें स्थित हो उसे अश्वत्थ कहा गया है। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख आता है, मैं यहाँ पर कोट करूंगी, असौ वा आदित्यो अश्व, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण का है। इसमें है कि जिस पर जो आदित्य अर्थात जो सूर्य है वह स्थित है वही अश्वत्थ है, इस प्रकार का बताया गया है। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त उपनिषदों में तो इसकी बार बार भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम दृष्टांत देते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझाने का प्रयास करते हैं, उसके कूटस्थ जो उसकी नित्य जो दोनों प्रकार की नित्यता है उसको बताने का प्रयास करते हैं, तो अश्वत्थ और गंगा प्रवाह दो ऐसे उदाहरण आते हैं जिसके द्वारा उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अश्वत्थ जो है वह उसका जो एक एक छोटे से बीज से इतना बड़ा जो विस्तार है वह भी एक तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रतिपादित करता है। और जब हम सनातन गंगा प्रवाह की बात करते हैं तो गंगा प्रवाह में जो प्रवाह है वह तो कूटस्थ है, वह तो ध्रुव है, वह नित्य है, परंतु उसमें जो बहने वाली प्रत्येक बिंदु की जो नवीनता होती है वह जो है वो नित्य नूतनता है। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति जो है वो कूटस्थ भी है और नवीन भी है। यही बात परिधि और उसके आधार केंद्र लेकर के होती है कि आधार जो है वह जितना सशक्त होता है केंद्र उतना ही विस्तृत होता है, उतना ही विकसित होता है, उसमें विकास की उतनी बड़ी संभावना होती है। तो आधार में धैर्य होता है और परिधि में गति होती है। यही धैर्य और गति, यही स्थिरता और गति एक परंपरा का निर्माण करते हैं और वह परंपरा जितनी स्थिरता होगी उतनी ही गति के साथ आगे बढ़ती है। तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, क्योंकि हमारी जो व्याख्यान माला है भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित है और भारतीय ज्ञान परंपरा में आज हमने उपनिषद पर बात की, तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो वेदों से निसृत होकर के आज तक जिसकी अविकल और अविरल धारा प्रवाहित हो रही है वह इसलिए है क्योंकि वैदिक ऋषियों ने एक आधार प्रदान किया है जिसमें जितना अधिक जितना विस्तृत वितान हम तान सके उतना विस्तृत स्वयं को बना सकते हैं, विकास की उतनी संभावनाएं हैं और व्याख्या की भी उतनी संभावनाएं हैं, इसलिए इतने मत मतांतर बनते हैं और उसी में जाकर के अंतर्भूत हो जाते हैं। आप जो है एक मतभेद दिखता है, एक विचार में भेद दिखता है, एक दृष्टि भेद दिखता है, परंतु वह मन भेद नहीं होता, वह वैसा भेद नहीं होता है कि हम रहेंगे और तुम नहीं रहोगे, वह ऐसा भेद होता है कि आप भी हैं और हम भी हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में हम देख सकते हैं जब हम सर्व दर्शन संग्रह की बात करते हैं जहाँ 16 दर्शनों का उल्लेख होता है वहां सबसे पहले हम चार्वाक को रखते हैं और सबसे बाद में जिस दर्शन का वर्णन होता है वो अद्वैत वेदांत है। तो एक प्रकार से हम स्कूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं और सभी को
स्थान देने का प्रयास करते हैं। यह जो भारतीय चित्त और चेतना में यह जो रची बसी बात है कि हम दूसरों को भी सहन कर सकते हैं, जिसके कारण हमने समय समय पर दूसरों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, उनको स्थान दिया और वो भारत में मिल करके भारतमय होकर के रह गए, तो यह जो औदार्य भाव, यह उदारता, यह समन्वय की भावना जो आती है हमारी परंपरा से आती है, यह ज्ञान परंपरा की देन है कि आज भी जब हम कभी कुछ ऐसा हमारे मस्तिष्क में विचार आता है, जहां पर ऐसा विचार आता है कि हमें रहना चाहिए, दूसरे को नहीं रहना चाहिए, चाहे वो धर्म के संदर्भ में हो, चाहे वो हमारे विचार के संदर्भ में हो, चाहे भावना के संदर्भ में हो, तो उस विचार के बाद हमारे मन में एक ग्लानी अवश्य उत्पन्न होती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस संकीर्णता की ओर जा रहे हैं, जो एक उदार मानस हमारी संस्कृति ने हमें प्रदान किया है, जो हम में रचा बसा है, जो हमारे पूर्वजों की शेवद ही है जो अभी तक प्रवाहित हो रही है, कहीं हम उसमें उससे संकीर्णता की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के उल्लेख का और उस पर बारंबार विचार करने का यही औचित्य है, ताकि हम यह जाने कि चाहे वो वस्त्र की बात हो, चाहे वेशभूषा की बात हो, चाहे विचार की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, ज्ञान के विभिन्न धाराओं की बात हो, परंतु सभी को हम आत्मसात करते हुए चले हैं, सभी को हम कहीं ना कहीं स्थान देते हुए चले हैं, समाज की जितनी प्रवृत्तियां हैं उनको किसी न किसी नियमन में लाते हुए हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो चिंतक रहे हैं, वो आगे बढ़े हैं। आज पुनः उसी बात पर हमें चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है और उन मूल्यों के पुनर्प्रतिष्ठापना की आवश्यकता है जिनमें आज हम शरण होता हुआ देख रहे हैं, और उनसे हमारा मन कभी न कभी व्यथित होता है, क्षणिक प्रवाह में प्रवाहित होकर के, क्षणिक प्रवाह में बह करके हम ऐसा बोल जाते हैं, ऐसा कह जाते हैं जो कि एक व्यक्ति के लिए हो सकता है सही हो, परंतु वो पूरी मानवता के लिए, देश के लिए और भारतीय संस्कृति के एक सनातन प्रवाह के लिए उचित नहीं, अनुचित होता है। इन सारी बातों पर ध्यान रखने के लिए ही ये जो इन ध्यान आकर्षित कराने के लिए ही हमने ये भारतीय ज्ञान परंपरा जो व्याख्यान माला है प्रारंभ की है, जिसमें विभिन्न देश के विभिन्न भागों की जो ज्ञान परंपरा है, जैसे कश्मीर की ज्ञान परंपरा की हम चर्चा करें तो आज वर्तमान में संस्कृत पढ़ने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों में बहुत कम ऐसे हैं जो जानते हैं कि कश्मीर की एक कितनी बड़ी विद्वत परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति को कश्मीर की कितनी बड़ी देन है उसके संदर्भ में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और अश्वत्थ पर प्रश्न पूछा गया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि तुलसीदास जी ने भी अश्वत्थ पर बात किया है। उन्होंने कहा है कि एक उत्तर कांड जो है रामचरित मानस का, उसमें उन्होंने कहा है अव्यक्त मूल मनादि तरु तच चार्य निगमागम घने षटकंध शाखा पंच बीस अनेक वर्ण सुमन घने खल जुगल गिरि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। इसका अर्थ है कि सनातन संसार रूपी सनातन वृक्ष को प्रणाम है। इस अनादि वृक्ष की जड़ें अव्यक्त या निर्गुण ब्रह्म के साथ मिली हुई हैं। शास्त्रों में कही जाती हुई स्वप्न जागृत सुषुप्ति और तुरीय नामक जो चार अवस्थाएं हैं वे ही इसके वल्कल हैं। अव्यक्तात्मा महानात्मा विज्ञानात्मा प्रज्ञानात्मा प्राणात्मा भूतात्मा यह छह इस वृक्ष के स्कंध हैं, जिनमें से शाखाएं फूटती हैं। पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच महाभूत और पांच विषय तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार और जीव ये 25 शाखाएं हैं। अनेक मनोरथ इस वृक्ष के पत्ते और फूल हैं। मीठे और कड़वे फलदायी माया रूपी बेल इस पेड़ को चारों ओर से घेरे हुए है। इस प्रकार यह अनादि वृक्ष सदा हरा भरा बना रहता है। इस वृक्ष से एक एक पत्ते पर असंख्य युगों से और अनेक देशों के इतिहास अंकित हैं। भूत भविष्य और वर्तमान इसको जीवन के रस से सींचते रहते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। तो यह जो अशुद्ध के रूप में वर्णन की परंपरा है, यह प्राचीन होती हुई भी अर्वाचीन है और आज भी इस रूपक के द्वारा हम संस्कृति को सम्यक रूप से समझ सकते हैं, उसके प्रवाह को जान सकते हैं, उसके महानता का दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। और शशि मैम का धन्यवाद, सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो आए, क्योंकि सुधी जनों के बिना कोई मंच जो है, कोई कार्यक्रम जो है, कोई विद्वत चर्चा जो है वो पूर्ण नहीं होती। सुधी जनों का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः हमारे इसके श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत रहेगा। एक बात
एक बात कह सकती हूँ बस? जी जी मैम, जी जी मैम। वैसे तो इसने समापन जैसा ही कर दिया है, लेकिन मैं ममता की दो बातों को सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो अश्वत्थ का की बात की गई है, तुलसीदास तक आ रहा है और हमने जैसा कि याद किया था हड़प्पा में भी मिल रहा है, तो ये एक बहुत कोई प्रतीक है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है भारतीय ज्ञान परंपरा में इस्तेमाल हुआ। और दूसरा जो इन्होंने कहा वो भी हमारे लिए सार के रूप में, उसको एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ विविधता तो है, विभिन्नता तो है, मगर विरोध नहीं है। 15-16 दर्शन होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी विरोध नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम नहीं रहोगे, तुम जाओगे। तो ये बहुत ज्ञान परंपरा के बिल्कुल सार तत्व है जो स्मरणीय है। जी ठीक जी है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ कि जल्द ही हम इस व्याख्यान मूल्य ज्ञान परंपरा के प्रवाह में पुनः सहभागी बनेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ममता मैम, धन्यवाद, धन्यवाद सबको, नमस्ते, पुनः